बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर के अंदर आज हमने डिस्कशंस करनी है असिस्टेंट्स की जॉब्स के ऊपर, जो 7 इसकी पोस्ट आई हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर ऑफिस बहावलपुर के अंदर इसकी असिस्टेंट्स की जॉब्स आई हुई हैं, इन जॉब्स के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आपको इजीली आपको डिवाइसेस तक आपको मिलते रहें। इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं अपने एड्स के अंदर। तो ये PPSC का एड नंबर 24 है, जो कि आज ही शाया हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर, जो 2 तारीख को। इसके अंदर जो है ये डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहावलपुर ऑफिस के अंदर इसकी पोस्ट है, जिसमें 7 पोस्ट हैं। इस 7 पोस्ट के अंदर जो है आपको जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, ग्रेजुएशन किसी भी सेकंड डिवीजन में ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है। उसके बाद आपके पास जो एज है वो आपसे मांगी गई है। मैं यहाँ पे आप कंप्लीट डिस्कशंस करते हैं। इसमें ये है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो मेल और फीमेल दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो डोमिसाइल है पंजाब में से किसी भी सिटीज का जो है डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो पोस्टिंग होगी वही जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, जो भावलपुर का ऑफिस है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वहाँ पे इसकी जो है वो इस जॉब्स की पोस्टिंग्स होंगी। उसके बाद जो एज होनी चाहिए मेल्स के लिए, 18 से लेकर 25 साल तक एज हो, फिर 3 साल का या जो है एज रिलैक्सेशन इसमें से होगी। और फीमेल्स 18 से लेकर 28 साल तक उनकी एज हो, प्लस 8 साल इसका जो है जो 18 से 25 तक, और फिर 8 साल इसका रिलैक्सेशन देके टोटल 33 आपसे बन जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिटन टेस्ट जो है, अब इस पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट जो होगा उस रिटन टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं कि जो असिस्टेंट की पोस्ट है रिटन टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। तो ये उसका जो रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर आपका जो है MCQ टाइप्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स के 100 MCQs होंगे, जिसमें आपको जो टाइम है 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा इस पेपर 100 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग लाजमी होती है। PPSC का कोई भी एग्जाम हो तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग मस्ट होती है, ठीक है। उससे बाद हम आप डिस्कस करते हैं कि सिलेबस हमारे पास सिलेबस क्या क्या होगा, कि किस चीज़ को फॉलो करके हमको सिलेबस को फॉलो करके हम कैसे अपने प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हमने प्रिपरेशंस करनी होती है अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, जिसमें से जनरल नॉलेज होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs होते हैं, करंट अफेयर्स के, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर। ये सारे MCQs जो हैं कि वो हमारे पेपर्स के अंदर आते हैं, जिसमें से जनरल नॉलेज के 10 MCQs होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 MCQs, करंट अफेयर के 10 MCQs, इस्लामिक स्टडी के 10 MCQs, ज्योग्राफी के 10 MCQs, मैथ्स के 10, इंग्लिश के 10, उर्दू के 10, एवरीडे साइंसेस के 10 और कंप्यूटर के 10, कंप्यूटर के ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन 10 10 सब्जेक्ट से मिलकर हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि आपसे जो है वो पेपर लिया जाएगा असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए, ओके। उससे बाद हम बात करते हैं कि जब हम अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास कौन से ऐसे बुक्स हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी प्रिपरेशंस अच्छी वाली कर सकते हैं। तो इसमें से मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा, उस चीज़ को लाजमी मार्केट से लेके इसको परचेज करें, मार्केट्स में से परचेज करके इसको अपन इसको डेली आदत बनाए इसको जो है वो याद करने की। सबसे पहले इम्तियाज शाहिद की बुक है PPSC की मॉडल पेपर की, इसको लाजमी आप परचेज करें। इस फीचर्स में आपको ये दो जो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं ये 95 एडिशंस की बुक हैं, एंड अब इस वक्त जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है वो 96 का लेटेस्ट एडिशन है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उसको लेके आप इसको स्टडी करें। अब इनके बुक्स के वॉल्यूम 1 और 2 हैं, ये वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2, इन दोनों बुक्स को लेके उसको लाजमी आप परचेज करके इसको स्टडी करें। देन उसके बाद 1 पेपर MCQs गाइड, आपको ये पिक्चर्स में ये नज़र आ रहा है 1 पेपर MCQs गाइड की, ये बुक लाजमी लेके इसको भी स्टडी करें। मैं इसका जो बुक का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन सब बुक्स को।
उसके बाद आप वो जो पास्ट पेपर्स को स्टडी करें, मीन के अब इस टाइम जो लास्ट पेपर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का, चाइल्ड प्रोटेक्शंस का, इन पेपर्स की जो है 96 एडिशन में आ गए हैं, तो इन 2023 के पहले पेपर्स को रीड आउट करें, फिर 2022 में आ जाएं, फिर 2021 के पेपर्स, 2020 के पेपर, 19, 18 एंड सो आने से चलते हैं, इन सब पेपर्स को आप इसको स्टडी कीजिए। देन उसके बाद आपने कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को आप डिटेल के साथ स्टडी करें। होप सो जो है आप स्टडी करने से आपके जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये व्यूवर्स, हमने थोड़ा सा हमने देख लिया कि सेशन की कौन सी पोस्ट थी, किसके ऊपर कैसे अप्लाई कैसी हमने प्रिपरेशंस करनी है और क्या क्या तरीकाकार है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है अप्लाई करने का। तो आपने क्या करना है, बीपीएससी की वेबसाइट्स पे जाना है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का आपको बटन नज़र आएगा, इस पर अब आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो उस पेज पे आपने करके आपने कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। जैसे यहाँ पे देखें, इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट जो है भावलपुर वाली की सीट्स के ऊपर आपने इसको चेक करना है। तो ये यह देखें, यहाँ पे आपको टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट टूरिस्ट है, नहीं हमें इस पर नहीं करना। हमारे पास आएगा ये वो चीज़, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का, ये असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 600 इसकी फीस है, चालान फी है। इसी के ऊपर आपने इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा जिसमें से वो कहते हैं कि आप इसको रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद आपको बता रहे हैं कि ये पोस्ट हैं, इस तरह ये चीज़ इसकी होंगी, और क्लोजिंग डेट इसकी क्या है, लास्ट डेट 17/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। हम इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है बयान हलफी, मतलब यहाँ पे जस्ट आपने इसको जो है चेकबॉक्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज पे आपको मूव करवा देगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने सीएनआईसी नंबर्स जो है यहाँ पे आपने एंटर करने हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद आपने नीचे आना, यही चीज़ आपने अगेन इसको रिपीट करनी है, सेम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा वो अब इसको ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसको पहले फिल आप कर लेते हैं। ठीक है, ये सीएनआईसी एंटर करने के बाद आपने इसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ईमेल एड्रेस आपसे मांग रहा है कि आप यहाँ पे भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करें। करने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर्स को एंटर करने के बाद आपने इसे प्रोसीड के ऊपर इसे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इस टाइम में हम जो है अपना कोई भी हम डाल देते हैं, जो आपका फ़ोन नंबर होगा उसी फ़ोन नंबर को यहाँ पे एंटर करें। एंटर करने के बाद आपने प्रोसीड के ऊपर इसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जा रहे हैं कि आप इसे वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप पहले सबसे पहले यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करें, कौन जेंडर जोन से है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपने बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं, नहीं है तो इसको नो पे कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आर्मी से है, नहीं है तो नहीं है, तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते जाएं। इस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन जो है आ गया आपके फिलअप होती जाएगी और आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है अभी बस। तो ये आपने अपना सारा कुछ हमने देख लिया, होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।